नमस्कार दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आज आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नास्तिक की भक्ति की। हरिराम नाम का एक युवक एक मेडिकल स्टोर का मालिक था। सारी दवाइयों की उसको बहुत अच्छी जानकारी थी। 10 साल का अनुभव होने के कारण उसे अच्छी तरह पता था कि कौन सी दवाई कहाँ रखी है। वह इस व्यवसाय को बड़ी सावधानी और बहुत ही निष्ठा से करता था। दिन भर उसकी दुकान में भीड़ लगी रहती थी। वह ग्राहकों को उनकी दवाइयाँ बड़ी सावधानी और समझदारी से देता था, परंतु उसे भगवान पर कोई भरोसा नहीं था। वह एक नास्तिक था। उसका मानना था कि प्राणी मात्र की सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा है, और वह ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त में भी दवा दिया करता था, और समय मिलने पर वह मनोरंजन के लिए अपने दोस्तों के संग दुकान में बैठकर लूडो खेलता था। एक दिन अचानक बारिश होने लगी। बारिश की वजह से दुकान में कोई भी नहीं था। बस फिर क्या था, उसने अपने सभी दोस्तों को बुला लिया और सभी दोस्त मिलकर लूडो खेलने लगे। तभी एक छोटा लड़का उसकी दुकान में दवाई का पर्चा लेकर आया। उसका पूरा शरीर भीगा था। हरिराम लूडो खेलने में इतना मशगूल था कि बारिश में आए हुए उस लड़के पर उसकी नज़र ही नहीं पड़ी। ठंड से ठिठुरते हुए उस बच्चे ने दवाई का पर्चा बढ़ाते हुए कहा, साहब जी, मुझे ये दवाइयाँ दे दीजिए, मेरी माँ बहुत बीमार है, उनको बचा लीजिए। बाहर और सब दुकानें बारिश की वजह से बंद हैं। आपके दुकान को देखकर मुझे विश्वास हो गया कि अब मेरी माँ ज़रूर बच जाएगी। उस लड़के की पुकार सुनकर लूडो खेलते खेलते ही हरिराम ने दवाई के उस पर्चे को हाथ में लिया और दवाई देने उठा। लूडो के खेल में आए व्यवधान के कारण अनमने मन से उसने दवाई उठाई, लेकिन तभी बिजली चली गई। अपने अनुभव से अंधेरे में ही एक दवाई की शीशी को झट से निकालकर उसने लड़के को दे दिया। दवा के पैसे देकर लड़का खुशी खुशी दवाई की शीशी लेकर चला गया। अंधेरा होने के कारण खेल बंद हो गया और सभी दोस्त भी चले गए। अब वह दुकान को जल्दी बंद करने की सोच ही रहा था, तभी लाइट आ गई और वह यह देखकर दंग रह गया कि उसने दवाई समझकर उस लड़के को जो दिया था वह चूहे मारने वाली जहरीली दवा की शीशी थी, जिसे उसके किसी ग्राहक ने थोड़ी देर पहले ही लौटाया था, और लूडो खेलने की धुन में उसने अन्य दवाइयों के बीच यह सोचकर उसे रख दिया था कि खेल खत्म होते ही उसे वह अपनी जगह वापस रख देगा। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की विश्वसनीयता पर मानो जैसे ग्रहण लग गया हो। उस लड़के के बारे में वह सोचकर तड़पने लगा। यदि यह दवाई उसने अपनी बीमार माँ को पिला दी तो वह अवश्य ही मर जाएगी। लड़का भी छोटा होने के कारण उस दवाई को पढ़ना भी नहीं जानता होगा। एक पल तो वह लूडो खेलने के शौक को कोसने लगा और उसने निश्चय किया कि आज के बाद वो अपनी दुकान में लूडो कभी नहीं खेलेगा। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस दवा का अब किया क्या जाए। उस लड़के का पता ठिकाना भी तो वह नहीं जानता था। वह सोच में पड़ गया कि कैसे उसकी बीमार माँ को बचाया जाए। वह सोचने लगा कि सच में उस लड़के की आंखों में कितना विश्वास था। हरिराम को कुछ नहीं सूझ रहा था। घर जाने की उसकी इच्छा अब ठंडी पड़ गई। दुविधा और बेचैनी ने उसे घेर लिया था। घबराहट में वह इधर उधर देखने लगा।
पहली बार श्रद्धा से उसकी दृष्टि दीवार के उस कोने पर पड़ी जहां उसके पिता ने जिद करके श्री बांके बिहारी का छोटा सा चित्र दुकान की उद्घाटन के वक्त लगा दिया था। पिता से हुई उस दिन की बहस में हरिराम के पिता ने हरिराम से कहा था कि अगर तुम इन्हें ईश्वर की तरह नहीं पूजना चाहते तो तुम्हें इन्हें एक शक्ति के रूप में जरूर पूजना चाहिए। उन्होंने कहा था कि भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, वह हर जगह होता है और श्री बांके बिहारी जी में हर बिगड़े काम को ठीक करने की शक्ति है। हरिराम को सारी बात याद आने लगी। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर कुछ बोलते हुए देखा था। उसने भी आज पहली बार दुकान के कोने में रखी श्री बांके बिहारी की तस्वीर को देखा और आंखें बंद करके दोनों हाथों को जोड़कर वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वह छोटा लड़का दुकान में फिर से आया। हरिराम बहुत बेचैन हो गया। क्या बच्चे ने माँ को दवा समझकर जहर पिला दिया? इसकी माँ मर तो नहीं गई? हरिराम का रोम रोम कांप उठा। पसीने पोंछते हुए उसने धीरे से कहा, क्या बात है बेटा, अब तुम्हें क्या चाहिए? लड़के की आंखों से पानी गिरने लगा। उसने रुकते रुकते कहा, बाबूजी, बाबूजी, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लिए भागा जा रहा था। घर के निकट पहुंच भी गया था और पानी भरा था और मेरा पांव फिसल गया। दवाई की शीशी टूट कर गिर गई। क्या आप मुझे दूसरी दवाई की शीशी दे सकते हैं? हरिराम हक्का बक्का रह गया। क्या ये सचमुच श्री बांके बिहारी का चमत्कार है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हरिराम ने चैन की सांस लेते हुए कहा, लो यह दवाई लो। पर मेरे पास पैसे नहीं हैं, उस लड़के ने हिचकिचाते हुए बड़े भोलेपन से कहा। कोई बात नहीं, तुम यह दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ। जाओ, जल्दी करो। और हाँ, अब की बार जरा संभल के जाना। लड़का अच्छा बाबूजी कहता हुआ खुशी से चल पड़ा। हरिराम की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। श्री बांके बिहारी को धन्यवाद देता हुआ अपने हाथों से उस धूल भरी तस्वीर को लेकर अपनी छाती से उसे पोंछने लगा और अपने माथे से लगा लिया। आज के इस चमत्कार को वह अपने परिवार को सुनाना चाहता था। जल्दी से दुकान बंद करके वह घर के लिए रवाना हुआ। उसकी नास्तिकता की घोर अंधेरी रात भी अब बीत गई थी और अगले दिन की नई सुबह एक नए हरिराम की प्रतीक्षा कर रही थी। जय जय श्री राधे, जय श्री बांके बिहारी।